आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, रामचरित मानस की चौपाइयों का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व है और विशेष चौपाइयाँ हैं जिनका जाप करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ तक कि जिनके यहाँ बहुत दिनों से संतान नहीं होती है वो भी अवसर उनको जल्द मिलता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं और हर चीज़ के लिए अलग विशेष चौपाई है। तो आइए जानें इन चौपाइयों के जाप के नियमों के बारे में और इन विशेष चौपाइयों को पहले जान लेते हैं। रामचरित चौपाई के पाठ करने के क्या नियम हैं रामचरित मानस की चौपाई का पाठ करने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है। चौपाई का पाठ करने से पहले स्नान अवश्य करें। इसके बाद चौकी पर राम दरबार या श्री राम की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी और गणपति भगवान का आवाहन करें। फिर रामचरित मानस का पाठ शुरू करें। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, साथ ही भगवान श्री राम की कृपा मिलेगी। तो आइए अब इन चौपाइयों को जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो काफ़ी समय से संतान सुख से वंचित हैं, तो आप नियमित रूप से रामचरित मानस की इस चौपाई का जाप करने से जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। ये चौपाई है, जिस काम नर सुन ही जे गावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। शास्त्रों के अनुसार अगर लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना अधूरी है और आप उसे पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं तो रामचरित मानस की इन चौपाइयों का जाप करने से जल्द ही लाभ होगा। सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस चौपाई का जाप करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो लोग आजीविका प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं वो इस वाली चौपाई का जाप करें। इस प्रकार है चौपाई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अगर कार्य क्षेत्र या आपके जीवन में शत्रुओं का भय बना हुआ है और तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो इस चौपाई के जाप से जल्दी ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, साथ ही तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। शत्रुओं के नाश के लिए चौपाई इस प्रकार है, भैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जो भक्त भगवान श्री राम की शरण पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद भक्ति पाना चाहते हैं, वो इस वाली चौपाई का जाप करें। सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। और जो लोग रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं वो इस वाली चौपाई का जाप करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। विवाह के लिए या विवाह देर से हो रहा हो या विवाह में किसी प्रकार की समस्या हो तो इस वाली चौपाई का जाप करें। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुषु, ब्याह साज संवारिक, मांडवी सुति तीर्थ उर्मिला, कुंवर लई हंकारिक। ये चौपाइयाँ अत्यंत फलदायक हैं, इनका
अगर विधि पूर्वक जाप किया जाए तो शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस पोस्ट से आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना समय निकाला, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।